वेलकम बच्चों, आज क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 3 में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो है केमिकल फॉर्मूलाज लिखना। ठीक है, आप केमिकल फॉर्मूला जब लिखना सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ओके, मैंने इसका वीडियो भी आपको एक सेंड करा था, अभी मैं आपको एक अपना नया वीडियो बना के भेज रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड में यहाँ पर क्या लिखा है, पहला चीज क्या है हाइड्रोजन, दूसरी चीज क्या है क्लोराइड, तो इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एच लिखा और क्लोराइड को हम किससे, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का आयन, निगेटिव आयन, इसे क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा सीएल हो गया। ठीक है, अब हम अगर आपको नहीं पता है, वैलेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके बुक में टेबल दी हुई है ना, उससे आप देख के वैलेंसी लिख लिए, लिखना स्टार्ट करिए। फिलहाल धीरे धीरे आपको ये सब याद हो जाएगा और फिर आपको वैलेंसी निकालना भी अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी आपको अच्छे से आ जाएगा। तो सबको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, प्लस माइनस नहीं देखते हैं। ठीक है, कि +1 है या -1 है, यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखते हैं कि वैलेंसी कितनी है। ठीक है, 1 है 2 है 3 है, सिंबल्स नहीं दे, साइन नहीं देखते कि ये पॉजिटिव आयन है या निगेटिव आयन है, कैटायन है या एनायन है, इससे मतलब नहीं है। ओके, तो जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो बेसिकली हम साइंस नहीं देखेंगे। ओके, कैटायन एनायन नहीं चेक करेंगे उतना। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को अलग अलग लिख लिया, इनकी हमने वैलेंसी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वैलेंसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब जानते हैं ना, गुणा उल्टा। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो एच के पास जाएगी नंबर। ठीक है, तो अब क्लोरीन का नंबर क्या था, 1, और क्या नंबर है सीएल पे, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1 जब होता है तो हमें पता है 1 का मतलब होता है 1, तो इसलिए कोई 1 नहीं लिखता है। ठीक है, 1 नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 1 कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 ही होगा। ओके, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H1Cl1 नहीं होगा, HCl। अब HCl मतलब साफ साफ लग रहा है ना कि ये एक ही H है और एक ही क्लोरीन है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया HCl का। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में हम देख रहे हैं कि पहला जो हमारा एटम है वो है हाइड्रोजन, उसका सिंबल लिखेंगे सल्फाइड। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो ये सल्फर आयन है, ठीक है, सल्फर आयन है जिसका वैलेंसी होता है -2। ठीक है, तो हमने एस लिख लिया। अब हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, उस पर चार्ज 1 होता है, और सल्फाइड उसकी वैलेंसी, सल्फाइड आयन की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, -2 होती है, तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस साइन नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो एच के पास आ जाएगी सल्फर की वैलेंसी और एस के पास आ जाएगी हाइड्रोजन की वैलेंसी। तो हमने पहले ही बताया है कि हम 1 को मेंशन नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बनेगा H2S, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर जब आपस में मिलते हैं तो उस फॉर्मूला को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के लिए C और क्लोराइड के लिए Cl। अब कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, क्लोराइड आयन की वैलेंसी क्या है 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा, वन सेकेंड प्लीज, यहाँ पे हो जाएगा C1Cl4। हम 1 मेंशन नहीं करेंगे इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा CCl4 और इसी को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी भी फॉर्मूले को
उसके सिंबल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमें अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में लिखना है तो मैग्नीशियम के लिए Mg, क्लोराइड के लिए Cl, ठीक है। प्लस माइनस आवेश को अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड आयन जो है -1 शो करता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, तो Mg1 और Cl2, और मैंने जैसे बताया 1 मेंशन नहीं करेंगे, तो द फॉर्मूला बिकम्स MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से हम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड में देखिए, एल्युमिनियम मतलब Al, और ऑक्साइड आयन आपका -2 चार्ज शो करता है। आप अपने चार्ट में देखिएगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, मैंने वीडियो में बताया था क्यों +3 होती है, और ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की -2 होती है, मैंने बताया था ना, 8 में से माइनस करते हैं जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। और फिर यहाँ पे होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम के पास जाएगी, और एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास जाएगी, और ये बन जाएगा Al2O3। चार्जेस जो है प्लस माइनस वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे कि ये प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है, बस लिख देते हैं, बट हम चार्जेस को यहाँ पे फॉर्मूला लिखते समय नहीं कंसिडर करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। सेम टू सेम कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन का सिंबल O, कैल्शियम की वैलेंसी +2, O ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca2O2, ठीक है। तो ये तो अब दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम सिंपल, अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, छोटा करेंगे, ठीक है। जैसे आपका 2 बाई 2 होता है तो हम इसको छोटा करके 1 करते हैं ना, 1 बाई 1, ऐसे ही छोटा करेंगे। छोटा करने पे क्या आएगा, 2 से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे Ca1O1 हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं CaO। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है, ठीक है। इस तरह से हम जो मल्टी एटम एटम वाले जो है आयंस होते हैं, कंपाउंड्स, उनके बारे में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के लिए सोडियम का फॉर्मूला Na, और नाइट्रेट को हम NO3 से दिखाते हैं। सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, और नाइट्रेट पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये NaNO3 बनता है, और यही हमारा फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट का। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए Ca, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, ठीक है। और कैल्शियम का आवेश होता है +2, हाइड्रोक्साइड -1 शो करता है, ठीक है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है CA1OH2। ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2, ऐसे नहीं, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये पूरा OH को हमने हाइड्रोक्साइड आयन बोला है, नहीं तो है ना कि सिर्फ O को हमने हाइड्रोक्साइड बोला है या H को बोला है। O अगर सिर्फ लिखा है तो उसे हम ऑक्साइड कहेंगे, सिर्फ H लिखा है तो हम उसे हाइड्रोजन कहेंगे। तो OH साथ में मिलेंगे तब हम इसे कहेंगे कि हाइड्रोक्साइड। इसीलिए जो ये पावर, आपका जो ये आवेश है, ये पूरे OH पे जाएगा, ना कि सिर्फ एक पीछे लगा देंगे आप, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इसे ब्रैकेट लेके, ऐसे ब्रैकेट लगा के इसके बाहर लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 है ये O में भी मल्टीप्लाइड है और H में भी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूलाज को लिखते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।